गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं पुष्कर में हूँ। कल लेट नाइट एपिसोड पहुँचे थे और अभी उठे हैं और आपको दिखाते हैं हमारा दिन। तो गाइस ये हमारा रूम है और रूम के जस्ट पास में पूल है। पहाड़ों के बीच में ये रिसोर्ट है और अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये है हमारा रूम जिसमें हम रुके हुए हैं। तो मैं रेडी हो चुका हूँ बाहर जाने के लिए। सोच रहा हूँ पुष्कर मंदिर जाऊँ या पहले डेजर्ट। अभी आ चुका हूँ पुष्कर में। सावित्री माता का मंदिर है तो उसके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मंदिर में सीढ़ियों द्वारा भी जा सकते हैं और रोप वे भी बना हुआ है, तो मैं रोप वे से जाना पसंद करूँगा क्योंकि काफ़ी गर्मी है। फाइनली हमने दो टिकट ले लिए 170 का पर पर्सन के हिसाब से टिकट चार्ज है। तो रोप वे का जाने का रास्ता इधर से, तो हम रोप वे से जा रहे हैं और सामने लिखा हुआ है सावित्री माता रोप वे। एंटर हो चुका हूँ। काफ़ी नीचे से आए थे हम और रोप वे से हम यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं। ये रोप वे का लास्ट पॉइंट था और ये सामने पुष्कर लेक। फाइनली मैं मंदिर जाके दर्शन करके नीचे आ चुका हूँ, तो अब मैं पुष्कर लेक की तरफ जा रहा हूँ। फाइनली हम मार्केट में आ चुके हैं कुछ खाने के लिए और रोल लग चुके हैं और अभी फलाफल थाली बाकी है। तो ये है फलाफल थाली और इसे फिनिश करते हैं, फिर आगे मार्केट में चलते हैं और घाट पर भी जाएंगे हम। तो मैं अभी आ चुका हूँ नरसिंह घाट।
और आपको नीचे पुष्कर लेक बताता हूँ। और झील में काफ़ी पानी भरा हुआ है और चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा, चारों तरफ घाट का नज़ारा दिख रहा है और यहाँ पे कई लोग नहाने भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। यहाँ पे चारों तरफ मेरे घाट ही घाट हैं। फाइनली हमने घाट का एरिया पूरा कवर कर लिया है, तो हम बाहर एग्जिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये है पुष्कर मार्केट, दिखाते हैं आपको पुष्कर। ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर, और यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि मंदिर क्लोज हो चुका है और 3 बजे ओपन होगा। तो गाइस ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है और मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।